आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी, मुंह में डालते ही घुलने वाली चकली की रेसिपी। तो दिवाली स्पेशल आज हम चकली बनाने वाले। आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही जल्दी से टूट जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसके लिए पहले हम लेंगे चावल। तो आप यहाँ चावल को अच्छे से वॉश करके सुखा के भी ले सकते हैं, नहीं तो चावल को आप थोड़े से गीले क्लॉथ से पोंछ कर ले सकते हैं। अच्छे से मैंने इसे क्लीन किया है। इसमें मैंने 1 कप एंड 1/4 कप चावल डाल दिए हैं। तो इसे अच्छे से भूनेंगे, गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रख के हम इसे भूनेंगे। जब तक ये चावल फूलते नहीं तब तक लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। जितना बढ़िया तरीके से आप इसे भूनेंगे उतनी ही टेस्टी वाली हमारी चकली बन के रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चावल कितने फूल चुके हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आने के बाद हम इसे निकालेंगे और इसी में हम ऐड करेंगे चना दाल। तो यहाँ मैंने 1/2 कप चना दाल ली है। तो इसे भी हम थोड़ी देर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद जल्दी से समझ में आ जाता है, इससे बहुत ही भीनी भीनी खुशबू निकलती है। तो इसका कलर चेंज होना चाहिए बट ये जलने नहीं चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिए। तो देखिए ये भी हो चुका है, अच्छे से मैंने इसे भून के लिया है। थाली में हमने चावल रखे थे उसी थाली में हम इस दाल को भी डाल देंगे। देन हम यहाँ लेंगे 1/4 कप मूंग दाल। तो इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है, गीले क्लॉथ से मैंने इसे पोंछ कर लिया है। मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसे वॉश करके सुखा के भी ले सकते हैं, नहीं तो गीले क्लॉथ से अच्छे से पोंछ कर ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप इसे क्लीन करके लीजिए। तो इसे भी बढ़िया सा भून लिया है और हम इसे थाली में निकाल देंगे। आज हम कुछ इस तरीके की चकली बना रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं इसे खाने के बाद, और ये टेस्टी भी है। इसमें हमने उड़द की दाल डाल दी है, 1/4 से कम हमने उड़द की दाल ली है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं 2 बड़े चम्मच हमने उड़द की दाल ली है, 1/4 कप से कम हमने उड़द की दाल ली है। अच्छे से इसे भी भूना है। तो इसी में हम इसे निकालेंगे। तो इतने सारी चीज़ें हमने ली है और भी हम इसमें ऐड करेंगे पोहा। तो यहाँ मैंने 1/4 कप पोहा लिया है, इसे भी अच्छे से रोस्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने हैं, लगातार चलाते हुए सभी जो दाल हमने ली है, जो कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं उसे लगातार चलाते हुए बढ़िया सा भून के लेना है। तो इसे भी हम इसमें निकाल देंगे। तो इन सबको हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 से कम यानी कि 1/2 मैंने यहाँ 2 चम्मच धनिया के सीड्स लिए हैं, बढ़िया सा भूनेंगे। इसी में हम 1 चम्मच भरकर जीरा डाल देंगे, उसी के साथ में इन दोनों को बढ़िया सा भून के लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू यहाँ इससे निकलती है। तो आप देख ही सकते हैं इसे भी हमने भून के ले लिया है। तो इन सबको हम एक थाली में, जो हमने पहले चावल रखा था उसी थाली में निकाल कर लेंगे। तो इन सबको हमने भून के ले लिया है। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, थोड़ा सा ये ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में ब्लेंड करके लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना रहे हैं तो आप इसे मिल से भी इसकी पाउडर बनाकर लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये इस तरीके का मिक्स बन के रेडी हो चुका है। दिखने में तो ये बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स इससे हमें मिलने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा लेकर हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसकी पाउडर बना के लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस तरीके की पाउडर, इसकी स्मूथ वाली पाउडर बना के ले ली है। इसे हम बड़े से परात में या बड़े से बर्तन में निकाल देंगे। सो इस आटे को हम नाप के लेंगे, आप किसी भी बर्तन से इसे नाप के ले सकते हैं। तो इस कप से मैंने इसे नाप के ले लिया है। तो 3 कप ये आटा हुआ है, इसे हम एक बड़े से परात में निकाल के लेंगे। हमने जो आटा बनाया है वो 3 कप हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ 1 कप के लिए 1 स्पून ऐसा करके 3 कप के लिए 3 स्पून तेल को गरम करके लेंगे। अच्छे से गरम करके लेना है, देख सकते हैं आप। इसमें आप ज़्यादा तेल मत डालिए, नहीं तो जो चकली है वो तेल में डालने के बाद फंस जाएगी, इसीलिए इतना तेल इनफ है। 1 कप आटे के लिए 1 स्पून तेल इनफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा मोइन लग चुका है। अच्छे से हाथों से हम इसे मस लेंगे, सभी तरफ जो तेल का मोइन है वो लगना चाहिए। तो हाथों से इस तरह से हम इस आटे में अच्छे से तेल लगा के लेंगे। तो अभी ये हो चुका है। एक कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ हमने 3 कप आटा नाप के लिया था, उसी के अकॉर्डिंग उसके 1/2 हम इसमें पानी डाल देंगे।
तो यहाँ मैंने 1.5 कप पानी लिया है, तो इसी में हम नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करिए। और इसी में हम 1 स्पून भरकर अजवाइन डाल देंगे, तो इसे भी हाथों में लेना है, अच्छे से मसल कर इसमें डाल देंगे, तभी इसका बढ़िया सा फ्लेवर इसमें उतर जाएगा। और इसी में हम डाल देंगे हींग पाउडर, 1/2 स्पून से भी कम हमने यहाँ हींग पाउडर ले ली है। हींग पाउडर ज़रूर डालिए, तभी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसी में हम डाल देंगे फाइट तिल, तो यहाँ हम 3 स्पून फाइट तिल डाल रहे हैं। 1 कप के लिए 1 स्पून तिल ज़रूर डालिए। इसी तरह से हम 3 कप आटे के लिए 3 स्पून फाइट तिल डाल रहे हैं। तो इसी में हम रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, आपको कितना तीखा पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दीजिए। तो हमने यहाँ 2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दिए। इन सबको हम बॉईल करेंगे, बढ़िया सा बॉईल आने के बाद हम इसे तुरंत बंद कर देंगे और जो हमने आटा बना के लिया था उसे इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। हम इस आटे को बढ़िया सा भाप देंगे, तो ये फूलेगा। हम इसे ढक के रखेंगे। इसी तरीके से आप जब चकली बनाते हैं तो देखिए कितनी बढ़िया ये चकली बन जाती है। तो अभी देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। 20-25 मिनट आप इसे रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से भाप इसे मिली है। और हम क्या करेंगे, गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। तो इसका डो बहुत मसल मसल कर नहीं गूंदना, सिंपली हल्के हाथों से ही हम इसका डो गूंदेंगे। तो आप देखिए आगे की पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से ही इसे गूंदना है हल्के हाथों से। अगर आप चपाती के लिए डो गूंदते हैं ठीक उसी तरीके का गूंद के लेंगे तो जो चकली है वो इतनी बढ़िया क्रिस्पी वाली नहीं बन सकती, इसलिए इसी तरीके से गूंद के लेंगे। तो हम इसे तुरंत चकली बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। तो एक छोटा सा बॉल निकालेंगे, कुछ इस तरीके की लोइया बना के लेंगे इस तरह से। और फिर चकली मेकर को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई किया है, इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इस तरीके से इसे फिट कर देंगे। तो आप चाहे तो इसे पहले बना कर लीजिए और बाद में फ्राई कीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसे तेल में डायरेक्ट बना सकते हैं, बट मैं हमेशा इसी तरह से इसे बना कर लेती हूँ। तरीके से बनाने से क्या होता है कि बहुत सारी चकली आप एक ही साथ में बना सकते हैं और आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। आप पहले इस तरह से 6-7 चकली बना कर लीजिए, बाद में इसे फ्राई करिए। कुछ इस तरीके से सभी चकली को आप बना कर ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, दोनों साइड से हम इसे अच्छे से बढ़िया से ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसकी टेस्ट ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार खाएँगे तो इसकी टेस्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसे बढ़िया सा फ्राई कर लिया है, अभी ये बन चुके हैं। तो हम इसे निकालेंगे, तो आप देख ही सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। इसे एक छलनी में निकाल के लेंगे ताकि इसका पूरा जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो निकल जाए। तरीके से मैंने सभी चकली को बनाकर ले लिया है, आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लेयर इसके बने हैं, बहुत ही बढ़िया इसका लुक है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो एक चकली मैं आपको फोड़कर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बनी है। जैसे हम इसे थोड़ा सा भी दबाएँगे तो ये जल्दी से टूट सकती है, इतनी बढ़िया सी ये बन चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।